नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 2 में पार्षद के खिलाफ जताई नाराजगी। जनता ने कहा, 5 साल में नहीं करा पाए पार्षद हमारी गलियों का निर्माण, अब हम किसी और व्यक्ति को देखेंगे जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। देखे क्या कुछ कहा क्षेत्र के लोगों ने हमारी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी न्यूज फिरोजाबाद का सबसे पहला और नंबर 1 न्यूज चैनल। जैसा कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां लोग प्रत्याशी अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं। कोई कुछ वादे कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल उन वादों को ना देखते हुए हम मौजूदा जो पार्षद रहे 5 साल, उनका विकास कार्य की लोगों से बात करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य कराए, कितना विकास जनता के बीच पहुँचा, चुनाव से पहले क्या वादे किए गए, क्या वो वादों पर खरा उतरें, या उनके द्वारा कितना विकास कार्य हुआ। दोबारा 5 साल में दोबारा फिर आने वाले हैं, उसके बाद में भी गली क्षेत्र की अगर बात करें तो किन लोगों की गलियां बनी, किन लोगों के खरंजे बने, नालियां बनी, और किस हाल में लोग यहां पर 5 साल उन्होंने बिताए, हमें बात करते हैं सामने सीधे तौर पर। चाचा जी, क्या नाम है आपका? कहा बोले 20 साल है, नाली बनी ना है भाई। जी, पार्षद जी का नाम क्या है आपके क्षेत्र के? ज्ञानदेव। पार्षद का नाम आपको पता था पहले से? कहना बताया है पहले ध्यान ना रहा भाई। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ और भी लोगों से हम बात करेंगे। जिस प्रकार से 5 साल रहे, 5 साल में ये मेन रोड की सड़क है, विजयनगर NH2 के लिए जाती है, मेन रोड है। यहाँ की जो हालात है वो बता रही है 5 साल का विकास कार्य क्या है और कितना विकास कार्य हुआ, इसको लेकर भी हमारे साथ और भी लोग हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, चूड़ियाँ लेके आ रहे हैं आप गाड़ियों पर? जी। गली कैसी है ये? भैया गली इतनी बेकार है, डेली बहुत परेशानी होती है, लोगों को नुकसान बहुत। चुनाव आ गए दोबारा से फिर से? हाँ पता है मुझे। पता है? बिल्कुल पता है। और प्रत्याशी भी मैदान में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी आपके बीच आ गए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। तो क्या चाहेंगे आप इस बार, कैसे करेंगे? भाई जो भी करेंगे भैया, सोच समझ के करेंगे जी। विकास होना चाहिए सबसे मेन चीज़ तो ये। मौजूदा अगर पार्षद की हम बात करें तो कितना विकास कार्य हुआ आपके यहाँ? इस मोहल्ले में तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों, किस मोहल्ले में हुआ है? उनकी साइड में हुआ होगा, इस साइड तो कुछ नहीं है विकास। वोट यहाँ से मिला नहीं था क्या उनको? अब ये तो गया हुआ, तभी तो वो पार्षद बने हैं जी। बिल्कुल, वोट तो गया है। इस मोहल्ले में विकास नहीं हुआ, उनके मोहल्ले में विकास हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर विकास हुआ है तो उनके मोहल्ले में हुआ है, जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा। आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो यहाँ तक लोगों पर, इनके लोगों पर जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा? हम और भी लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सूरज बघेल। जी सूरज जी, 5 साल बीत चुके पार्षद के। जी सबसे पहले आपके 5 साल का विकास कार्य क्या रहा आपके हिसाब से? सबसे पहले आपके न्यूज को स्वागत है जी। सर आपको खुश दिखाई दे रहा है, 5 साल का इसमें तो ज़्यादा साल हो गई। सबसे पहले आने जाने में देख के बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर पड़ते हैं, किसी का मुंह फूट जाता है, आप उसमें चिंटी खा के गिर पड़ते हैं। तो रोड का इधर कोई सुनाई नहीं है। किसी से कहा आपने 5 साल में? 5 साल में आपका हक बनता है, आपने बिल्कुल दिया जी। नूतन राठौर जी को भी दिया था और एप्लीकेशन भी लगाई थी जी, विधायक जी को भी एप्लीकेशन लगाई, पर इधर सुनाई नहीं हुई। सर ऐसा क्यों, क्या भेदभाव लगता है तुम्हें? अब भेदभाव तो साहब क्या बता दूं, जनता ने तो कई बार एप्लीकेशन भी इसकी लगी, अकेले इसकी सुधार नहीं हुआ गली का। जी बिल्कुल, देखिए 5 साल का विकास कार्य बिल्कुल शून्य है लोगों की नज़रों में। इस क्षेत्र विजयनगर की हम बात कर रहे हैं, टंकी वाली गली में पहुंचे हैं, जहां 5 साल बेमिसाल पार्षद के जनता के बीच कैसे रहे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस प्रकार से लगातार हम बार्ड आपको दिखाएंगे कि 5 साल आखिर पार्षदों ने किया क्या, लोग कितनी खुश हैं, कितनी जनता उनसे खुश है, क्या दोबारा निगम में पहुंचाएगी या बाहर का निकास दिखाएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? जी सत्यवीर। सत्यवीर जी, कौन सी जगह है ये? विजयनगर। विजयनगर, तो क्या लगता है 5 साल बेमिसाल कैसे बीते आप जन पार्षद के बीच? कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बीते, ऐसे ही खराब है। कौन है आपके पार्षद? नाम ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है जी, याद नहीं है मुझे नाम। नाम याद नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए लोगों को पता ही नहीं है कि पार्षद कौन है, उनका नाम नहीं पता है। और जिस प्रकार से जी, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है जतिन। वोट है आपका? है। कैसे दोगे अब की बार? अब क्या, जिसका मेरा मन होगा उसको दूंगा। कैसे, क्या 5 साल कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही, बढ़िया। ये रहा, जब अग्निवीर की योजना आई थी जी, तो हम गए थे पार्षद के घर FED को बनवाने, तो उसने तुरंत हमको बाहर निकाल दिया कि आपने क्या मुझे वोट दिया था ये कहते हुए। ये हाँ, तो उसे कौन दे देगा? नहीं, दोबारा से आ रहे हैं, मैं नहीं दूंगा उनको जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक लेटर तक पार्षद न बनवा सके, ऐसा लोगों का आरोप है। उनके दो लड़के हैं जी, छोटे वाले सोनू नाम है, बड़े वाले उन्होंने ही भगाया था,
कि तुमने क्या मुझे वोट दिया था ऐसे कहते हुए। अच्छा हाँ, तो फिर मैं नहीं गया उनके घर। तो क्या कारण मानते, यही कारण है कि इधर क्षेत्रों में वोट नहीं गया उनका है? तो उनसे कहा नहीं, आपने जीते कैसे आप? अब ये तो उन्हीं को मालूम कैसे जीते, मैं इसमें क्या कहूँगा, पर मेरा मानना ये मैं उनको नहीं दूंगा वोट जी। देने को आप दे सकते, चुनाव आ गए दोबारा से। मेन चीज़ ये है कि नगर निगम जो है आपका, वो तो आप जानते ही होंगे शुरू से कि जैसे कि अगर सड़क बनती है तो वो उसमें पानी की पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं जी। सड़क बनती है तो गैस की पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि नाली का साइज लेना भूल जाते हैं। जैसे कि आप अभी गली देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये बनी हुई है, ये दीपावली के टाइम पर बनी थी। और इस गली का भी ये हाल है कि इसमें गड्ढे भी होने लगे हैं और गली नाली के किनारे से टूटने भी लगी है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो पार्षद है, पहले तो उनका किसी को नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसका रीजन ये है क्योंकि वो कभी आए ही नहीं, कभी आए ही नहीं समाज के बीच में। उन्होंने आना ही नहीं चाहा, जो उनके वोटर बैंक थी उनके बीच में कभी वो गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो जीत चुके थे। इसलिए उन्हें जरूरत नहीं पड़ी कि उनके बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुना जाए। बाकी न्यूतन राठौर जी को भी एक एप्लीकेशन दी गई थी गली के दौरान, काफी दी गई है, बट उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा हो सकता है उनकी नज़रों में थोड़ा लो क्लास में आता है, तो इसलिए उन्होंने सुनवाई नहीं की। क्योंकि जिससे उन्हें वोट चाहिए था वो पैसे वाले लोग हैं, तो उनके पास वो जाती हैं, उनके पास फोटो भी खिंचाती हैं। वोट का मतलब पैसे से और गरीब से नहीं होता आपको पता? सर गरीब से और पैसे मत है आपका अधिकार सर है। ये हमारा अधिकार है पर हम उसको देते भी हैं। पर समस्या ये आती है कि जहाँ उन्हें फोटो खिंचाने होते हैं, मारा डलवानी होती है, वहाँ वो अच्छे से जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ उन्हें विकास कराना होता है वहाँ वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहती? उनका रीज़न ये है क्योंकि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे सर, उनकी गाड़ी के टायर गंदे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप जैसे गली का आप हाल देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल यहाँ से लेके मैं मानता हूँ कि कम से कम आधे किलोमीटर की गली है, तो आधे किलोमीटर की गली में 500 मीटर आता है, 500 मीटर में कम से कम 50 गड्ढे होंगे यहाँ पर, जिससे आने आने बच्चों का और भी लोग हैं जो गाड़ी लेकर के निकलते हैं, ठेले वाले भी हैं, व्यवसाय मतलब लोग हैं, उनका क्या रहता है, कहीं वो गिर गए, उनका ठेला पलट गया। अभी हाल ही में ठेला भी पलटा था, उनका भी काफी नुकसान हुआ। पर विकास के बारे में यहाँ पे शून्य है। और मेरा तो मानना यही है, पार्षद को कैसे, मेरा तो मानना यही है कि पार्षद अगर कोई भी चुनाव के लिए आता है तो हम पहले उससे हम लिखित लें, उसे ही हम अगर वोट देते हैं और वो जीतता भी है तो उससे लिखित में लेकर के अपने कार्य को पूरा कराएं, उसके बाद में ही हम आगे अपनी जो तो क्या लगता है आप पार्षद से लिखित में लेने के बाद क्या उसके बाद में वो कार्य कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो लिखित में देंगे तो उसके लिए हम पे एविडेंस तो होगा कि भाई आपने लिख के दिया था, आप इसको कार्य को कराइए। बिल्कुल, देखिए जनता भी एकदम चालाक हो गई है, क्योंकि जो भी अब प्रत्याशी आएगा वार्ड में तो उससे पहले लिखित में ले लिया जाएगा कि तुम्हारे जो वादे हैं उनको एक एफिडेविट पे लिखें, उनके बाद अगर आप जीतते हैं अगर वो वादे पूरे नहीं किए गए तो हम आपके मुंह पर वो बात कह सकें। इसका पूरा एविडेंस रहेगा, हमारे साथ और भी लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद भारती। प्रमोद जी कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2। मौजूदा पार्षद अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं जी, और उनके देखरेख जो उनके प्रतिनिधि हैं कभी आए इस क्षेत्र में? कभी कभी नहीं है, कभी नहीं। ऐसा क्यों? पता नहीं, कहा आपने कभी? कहा सुनते ही नहीं, वो भाई उद्योगपति आदमी है। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं? हाँ, अब दोबारा फिर आएंगे? दोबारा चुनाव आ गया है जी, 2030 में हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा जनवरी में। तो क्या लगता है इस बार आपको देखिए दोबारा जीत पाएंगे क्या इस तरीके से? नहीं जी। बिल्कुल, देखिए जनता भी काफ़ी लोगों में भी आक्रोश है, क्योंकि पाँच साल में अगर पार्षद कोई साल में एक बार आते तो तब भी 5 साल में 5 बार आना चाहिए गलियों में, लेकिन जहां पार्षदों के नाम तक नहीं पता कि पार्षद का प्रतिनिधि कौन है और किस तरीके से विकास कार्य हुए जी। और भी हम लोग हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, गलियों की जो हालात है इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं कि 5 साल में ये गली का विकास नहीं हुआ, इसके बाद लोगों में कैसी समझ में आए कि हम किसी पार्षद को अगर जिताते हैं तो क्या वो हमारा विकास कर पाएगा। और ऐसे में ये भी है कि लोग जहां विकास की बात करते हैं, जहां पार्षद बनने के बाद विकास, पार्षद बनने से पहले विकास की बात करते हैं, हम ये कराएंगे और वो कर तमाम वादे करते हैं, उन वादों पर जो मेन गली है विजयनगर की पानी की टंकी के पास है, विजयनगर में है ये मेन गली जो है, इस पर काफ़ी गड्ढे हैं, चूड़ियों को ठेल हैं, लेबर वर्ग के लोग भी हैं यहाँ पर जी, बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, चाचा भी हैं और तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बीरपाल भाई। 5 साल बेमिसाल पार्षद के साथ कैसे बीते हैं आपके 5 साल? कोई काम नहीं हुआ हमारे जी बाढ़ में। तो क्या लगता है आपको इस बार? अच्छा सांसद, अच्छा होना चाहिए हमारे यहाँ का पार्षद, अच्छा होना चाहिए। इन्होंने 5 साल में कितने विकास कार्य कराए आपके? हमारे यहाँ मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा क्या लगा, किधर विकास कार्य हुआ है, इधर नहीं हुआ तो?
वार्ड नंबर दो में तो हुआ ही नहीं है कहीं पर, कहीं भी विकास कार्य नहीं हुआ, कहीं नहीं। लेकिन अब जो दोबारा चुनाव आ गए हैं, पार्षद भी दोबारा मैदान में होंगे, तो क्या लगता है इस बार आप कैसे चुनेंगे उन्हें, कि किसी और को आप उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे या फिर उन्हें दोबारा निगम में पहुंचेंगे? कोई अच्छा पार्षद होगा उसको चुनेंगे जी। बिल्कुल, देखिए लोग काफ़ी नाराज हैं कि इस पार्षद को यहाँ से, जो प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ से वार्ड से निकाल करके और घर पे बैठाने का काम करेंगे यहाँ की जनता है, कि अच्छा चेहरा आएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मैं अन्य वार्ड के लिए आपसे विदा लेता हूँ, आपके धन्यवाद।